नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत का एक बड़ा प्रांत पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं, या यूं कहें कि उसे यानी पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके उस पार बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यह देश पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शासन है, या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने तल्ख तेवरों के लिए भारत सहित दुनिया भर में जानी जाती हैं। ममता बनर्जी का भारत सरकार के साथ कई बार टकराव खास तौर से दिखा। भ्रष्टाचार के मामले में जब केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल जाती हैं, तो ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना था कि यदि केंद्र के पास केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं तो पश्चिम बंगाल के पास उसकी अपनी पुलिस है। जी हां, यह टकराव एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच में कई बार जुबानी जंग भी देखने और सुनने को मिली। भ्रष्टाचार के ही मामले में जांच करने पिछले कुछ समय पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम, जिस टीम में प्रवर्तन निदेशालय के अफसर भी थे और उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी था, केंद्रीय सुरक्षा बल के साय में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना के संदेश खली इलाके में छानबीन करने गई शाहजहां शेख के ठिकानों पर। संदेश खली का यह शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास और चहेता है। अब जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम यानी प्रवर्तन निदेशालय का दल संदेश खली जांच पड़ताल में गया और शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंचा, तो उस पर यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला हो गया। प्रवर्तन निदेशालय के अफसर घायल हुए, सुरक्षा बलों को चोटें आईं, वाहन तक फूंक दिए गए, ऐसी यह भयावह घटना थी। प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने जब स्थानीय पुलिस अफसरों को फोन किया तो फोन नहीं उठाए गए। इससे साफ जाहिर है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सहयोग नहीं किया। अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम यानी प्रवर्तन निदेशालय का दल और सुरक्षा बल किसी तरह से संदेश खली से अपनी जान बचाकर वापस भागे। प्रवर्तन निदेशालय ने जो FIR दर्ज कराई उस पर अभी तक पश्चिम बंगाल की पुलिस केवल हीलावाली कर रही है। अब यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने गया तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संदेश खली का मुख्य आरोपी यानी संदेश खली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख जहां भी हो तत्काल वह सरेंडर करे। लेकिन अभी तक शाहजहां शेख यानी तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया, या यूं कहें कि पुलिस ने उसे देखकर ही नजरअंदाज कर लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अभी तक पुलिस ने यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया है। उच्च न्यायालय कलकत्ता कह चुका है कि शाहजहां शेख जहां भी हो तत्काल सरेंडर करे, क्योंकि संदेश खली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख है, ऐसा मानना हाई कोर्ट का है। इसके बावजूद अभी तक शाहजहां शेख ने ना तो सरेंडर किया और ना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब हाई कोर्ट का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के पास आवश्यक संसाधन नहीं है, या फिर संदेश खली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इससे साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल पुलिस देखती रही और हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही और इस घटना का यानी संदेश खली हिंसा का मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी पश्चिम बंगाल से फरार होकर के भागकर बांग्लादेश चला गया।
अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास इतने आवश्यक संसाधन नहीं है जिससे वह संदेश खली की हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करती, या फिर शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल यानी संदेश खली से भागकर बांग्लादेश जाकर छिप गया। तो इस तरह से देखें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा दिया कि या तो उसके पास संसाधन नहीं है, यानी पश्चिम बंगाल पुलिस के पास संसाधन नहीं है, या फिर पश्चिम बंगाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इस घटना का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल से भागकर बांग्लादेश चला गया। इस तरह से उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो इस तरह से उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार या तृणमूल कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया कि आखिर आपकी कानून व्यवस्था कैसी है जिससे शाहजहां शेख न तो अभी तक गिरफ्तार हुआ न उसने सरेंडर किया। इस तरह से न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा दिया। इस तरह से साफ दिखता है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को कोई सहयोग नहीं किया और जब FIR हुई तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने से अब पश्चिम बंगाल की पुलिस पीछे हट रही है, जिस पर उच्च न्यायालय ने अब ममता बनर्जी या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है उच्च न्यायालय ने कि अभी तक संदेश खली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता भले ही देश भर में ढिंढोरा पीटते रहे कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है, लेकिन यह घटना बता रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था जैसी चीज कहां दिखती है या साफ दिखता है इस घटना से। संदेश खली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख या तो पश्चिम बंगाल में है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, या फिर वह भागकर बांग्लादेश चला गया है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।